बड़ी हालत है यार, सामने यार बड़ा क्राउड है यार, बड़ी हालत खराब हो गई है, लेकिन फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग यार। हेलो दोस्तों, यार दोस्तों बहुत खुशी की इंतहा है यार, जिंदगी में पहली बार जा रहा हूँ यार, वो भी जो है ना इंटरनेशनल मैच देखने यार, बहुत खुश हो रहा हूँ मैं यार, आज ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है बिल्कुल यार। आप देख रहे होगे यार, अभी तो मैं तैयार नहीं हुआ, शूज़ रहता है, अभी शर्ट वर्ट मैंने पाकिस्तानी पहन लिया, बाकी सिर्फ शूज़ रहता है वो पहनूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एक मसला था, वो लड़के से पूछना था कि यार कब निकलना है, तो उसी के लिए मैं आज बाहर आया था। मैंने कहा यार दयाश यार बाद में हो जाते हैं, पहले उससे पूछ के आएँ कि यार कब निकलना है, और उसके मैं जो है ना कंफर्म करने जा रहा था टाइमिंग वगैरह। तो यार आज बड़ा खुश हो रहा हूँ यार, यकीन करो लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ यार, इतना अमीर नहीं हूँ, गरीब बंदा हूँ यार, पहली बार जा रहा हूँ यार, शुक्र है अल्लाह पाक का यार, मुझे मौका मिल गया यार वहाँ क्रिकेट मैच देखने का, वो भी इंटरनेशनल यार, बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अपने कराची शहर में हो रहा है यार, तो यार लाजमी देखना चाहिए हम लोगों को यार। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप मेरे चेहरे से आप देख सकते हैं कितनी खुशी की इंतहा है यार, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग हो रही है मेरे अंदर। तो दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड यार, बड़ी बात है, हमारे मुल्क में इंग्लैंड की टीम जो है ना घूमने आ गई है, मतलब हमारे पाकिस्तानी तो बहुत उनका ख्याल कर रहे हैं, लेकिन यार ख्याल करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की ये जो है ना बड़ी इज्जत है, बड़ी रिस्पेक्ट है, और दूसरे मुल्कों को भी पता चलेगा कि यार इनके मुल्कों में भी टीम आ रही है, क्योंकि आपको पता है यार हमारे मुल्क में आज तक कोई पहले कुछ आई होंगी टीमें, लेकिन बहुत मुश्किल आती हैं, क्योंकि यार उनको जो है ना जैसे इंडिया हमारा मुल्क है पड़ोसी, वो उनको बता देते हैं कि यार पाकिस्तानी दुश्मन है आपका ये फलां वगैरह। तो यार हमारे मुल्क में जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये हमारे मुल्क में ये टीम पहली बार आई है, और इंशाल्लाह यार बहुत अच्छा हमने उनको दिया है, रिस्पेक्ट दी है हमारे मुल्क वालों ने उन लोगों को, और इंशाल्लाह यही दुआ है कि हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी टीमें आती रहेंगी, और हमारे कराची जो कोई पाकिस्तान का दिल है उस शहर में मैचें होती रहेंगी, और यार इंशाल्लाह अगर ऐसा हो गया तो यार तकरीबन सारी मैचें हम देखेंगे यार मौका, क्योंकि यार हमारे घर में ही ऐसे समझो कराची अपना शहर है यार, क्योंकि यहीं पे मैचें होंगी तो फिर तो हम जाते ही रहेंगे, जाते आते जाते रहेंगे, आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए यार, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार अभी मैं सोच रहा हूँ अभी उस लड़के के पास जाऊँ और उसे पूछूँ कि यार कब निकलना है, तो यार मैं अभी जा रहा हूँ उसके शॉप पे और उससे थोड़ी बात करता हूँ और उससे पता लगाता हूँ कि यार कब निकलना है, टाइमिंग वगैरह पता चल जाएगी, तो यार उसके बाद फुल तैयार होके जाएंगे सीधा स्टेडियम। तो यार आज तो भाई को दिल खोल के लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, बस इन्जॉय करवाऊँगा आज मैं आपको, मैं खुद तो करूँगा यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ लाइफ में यार, बड़ा मज़ा आएगा यार यकीन करो। तो यार आज दिल खोल के भाई को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो चलते हैं यार अपने काम की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिजवान के पास, सामने बैठा हुआ है मेरे, इसी से ही मिलना था मेरे को, सारा काम इसी से ही था। तो रिजवान भाई यार अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल रिजवान भाई, और सुनाओ ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक? यार आज देख रहे हो मैं सुबह से तैयार होके आया हूँ खास मैच के लिए यार, जाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है यार माशाल्लाह। असल में अभी मैं फुल तैयार नहीं हुआ, अभी तो मुझे शूज वूज पहनने हैं, और बहुत एक्साइटेड। आपको क्या एक्साइटेड कितने हो यार, बताओ हमारे व्यूअर्स कितने एक्साइटेड हो यार? एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा है इंशाल्लाह, बस वक्त का इंतजार है, टाइम जल्दी गुजरे और जल्दी ग्राउंड पे पहुंचे। हाँ यार टाइमिंग बड़ा एक्साइटेड हो रहा है यार, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि यार मैच देखना है आपको, क्योंकि मैं तो यार लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ, ये भाई तो जा चुका है पहले भी, लेकिन मैं जो है लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ यार, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो बार जाने में बहुत एक्साइटेड फील होता है। हाँ तो आपको अभी आप सेकंड बार जा रहे हो, तो आपको क्या फील हो रहा है? बस कुछ खास नहीं है, बस पहली बार ही बनने को होता है, लेकिन दूसरी बार खुशी तो है, पहले PSL का मैच था, अभी इंग्लैंड के साथ मैच है, तो खुशी अभी और अलग है, अभी दूसरी टीम आई हुई है, इंग्लैंड आई हुई है। अभी 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 मैं वीडियो देख रहा था कि यार वो जो है ना प्रैक्टिस कर रहे थे स्टेडियम के अंदर, तो मैंने कहा यार अभी हम भी जाने वाले, कि स्टेडियम भी यार बहुत अच्छा है, कोई लोकल स्टेडियम नहीं है दोस्तों, मैंने अभी उसकी वीडियो देखी सुबह, तो स्टेडियम भी बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा, और उसके अंदर जो है ना प्रैक्टिस चल रही थी उन खिलाड़ियों की, हमारे इंग्लैंड वालों की। तो रिजवान भाई क्या फील कर रहे हो यार, आप किससे मुलाकात होगी है, क्या मतलब किसी से मुलाकात होगी हमारी जो बड़ी सेलिब्रिटी होगी यार, जो भी होगा ना व्यूज़ आपको जो है ना सब चीज़ का व्यूज़ दिखाएंगे, आप खुद ही देखना हम लोगों को। तो रिजवान भाई यार वो मुझे टाइमिंग बता दो, मुझे ना बड़ी वो फीलिंग आ रही है दिल में, वो जो आती है ना यार एक्साइटेड होता है इंसान यार। नहीं तो फिर तो क्या टाइमिंग है, 3 बजे जाएंगे हम लोग, 3:30 बजे निकल जाएंगे। अभी 3:30 क्या यार, तू बोल रहा 3, फिर एक टाइम बता दो, मेरे घबराहट हो रही है यार। निकल जाएंगे 3 बजे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, हम निकल जाएंगे 3 बजे दारा। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे, वहाँ पे पहुँचते हुए आपको ट्रैवलिंग भी दिखाएंगे कि हम कैसे जा रहे हैं।
और कहाँ कहाँ अभी हम ब्रेक मार रहे हैं, और लोग पाकिस्तान के रोड भी दिखाएंगे कितनी ट्रैफिक जाम होती है। लेकिन यार हम पहुंच जाएंगे लाजमी, क्योंकि यार हमें जाना है आज कैसे भी करके। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं ट्रैवलिंग पे। One hour later. दोस्तों अभी हम बस में बैठ चुके हैं, आप देख रहे हो यार क्या हो गया यार। दोस्तों अभी बस में बैठ चुके हैं और अभी हम निकल गए, और जो है ना बस जाने वाले थे अचानक पकड़ लिया बस को यार। अभी हम ट्रैवलिंग पे, आपको ट्रैवल बाहर का भी दिखाते हैं, क्योंकि यार आपको पता है बस पे मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी इस बस के बारे में, आपको भी आज दिखाएंगे। अभी अभी सीटें फुल नहीं हुई, आप देख रहे हो सीटें खाली हैं, अभी कुछ देर में फुल हो जाएंगी, तो हमने कहा यार ब्लॉग बना लें। चलो यार दोस्तों, हाँ दोस्तों अभी हम किराया देने लगे अमेजोन में, किराया दो यार, सामने कनेक्ट साहब खड़े हुए हैं हमारे। हाँ यार हम दोनों हैं यार, चलो यार सही है, अच्छी बात। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यार, यही वो बस है जिस पे मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया था। ये फुल एयर कंडीशन है, आप खुद देख सकते हैं कि ऐसी वैसी लगी हुई है यार, सुकून से जा रहे हैं। मैंने कहा यार रिजवान भाई को बोला, मैंने कहा हाँ लग रही है यार, रिजवान भी बोल रहे हैं कि यार ऐसी नहीं लग रही, मैंने बोला यार ऐसी तो चल रही है अभी, तो आप खुद देख रहे हो यार ये बस की कंडीशन है, देख लो यार। ये हमारे पाकिस्तान में चेंजिंग आई है भाई, तब्दीली को देखो यार, तब्दीली को ये चेक करो गाइस, रश देखो कितनी है यार, बहुत क्राउड है यहाँ पे यार, बहुत सारा क्राउड है दोस्तों, आप देख सकते हो यार कितनी रश लगी हुई है। और अभी मैच शुरू होने में भी 2 घंटे हैं दोस्तों, अभी ये देखो दोस्तों यार बड़ी हालत खराब हो गई है यार, अभी देखो यार यहाँ का कानून ही समझ में नहीं आ रहा यार, बड़ी तबाही हो गई है यहाँ पहुँचते यार, बड़े बुखार हो गए हम। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं, अभी पार्किंग के लिए जा रहे और वो कह रहे हैं एक्सपो सेंटर में जाओ दोस्तों, एंजॉय करो। ये देखो स्टेडियम पहुँच गए, स्टेडियम पहुँच गए दोस्तों, अभी दिखाते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहे हैं यार, देखो चंद कदम है बाकी हम पहुंचने वाले हैं। तो रिजवान भाई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यार, हम बहुत एक्साइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूं भाई। चलो यार हम आपको पहुंच के बताते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी हुआ है दोस्तों, तो अभी बस चंद कदम रहते हैं और हम पहुँचने वाले हैं। दोस्तों अभी बहुत रश लगा हुआ है यार, अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ रश कितनी लगी। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो यार वो मुझसे डिलीट करवा दी रेंजर्स वाले ने, तो कोई बात नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। अब देखो यार अभी बहुत क्राउड जमा हुआ है यहाँ पे, अभी गेट पे पहुँच गए हम लोग, बल्ले 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 पहुँच गए भाई, पहुँच चुके हैं यार, क्राउड देखो यार बहुत ज़्यादा है यार, बड़ी मुश्किल से पहुँचे दोस्तों यार। दोस्तों बड़ा मसला हो गया यार, अभी बड़ी रश लगी थी, आप देख सकते हो गेट पे लगा यार, तो यार बड़ा जो है ना परेशानी हो रही है, अभी बहुत रश लगा हुआ है और गेट नंबर 6 पे हम चले गए दोस्तों, अभी बड़ी जो है ना मुश्किल हो रही है गेट पे जाने के लिए, देखते हैं हमें कब नंबर आता है हमारा, और अभी बड़ी रश हो रही है दोस्तों, बड़ी हालत ख़राब हुई हुई है मुश्किल से अंदर पहुंचे हैं, सामने देख रहे हो आप स्टेडियम, दिल चाह रहा था उनको मारने का, मगर वापस जाने का रहा था, बड़ा जो है ना हालत हो गया, वापस जा रहे हैं लेकिन फाइनल में पहुंच चुके हैं बस, अभी आपको अंदर जाके दिखाएंगे। क्राउड है यार,